देखो हैविंग अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब केस देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब verb case yes present continuous tense ka helping verb case to dekho iska formula beta formula hai subject wo beta subject so to pehle helping verb aayega helping verb in bracket mein is am are pillars subject pillars verb ki first form pillars ing pillars object here yeah. और इंटरोगेटिव साइन फॉर्मूला क्या है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब यानी इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और देखो नोट नोट यानी पहचान पहला वाक्य के शुरू में क्या शब्द आता है वाक्य के शुरू में क्या शब्द आता है नंबर दो वाक्य के आखिर में रहा रही रहे शब्द आते हैं वाक्य के आखिर में रहा रही रहे आदि शब्द आते हैं वाक्य आदि में रहा रही रहे आदि शब्द आते हैं तीसरा वाक्य जारी रहना प्रकट करता है और चौथा वाक्य प्रश्नवाचक होता है वाक्य प्रश्नवाचक होता है ये चार है सबसे पहले क्या है वाक्य शुरू में क्या शब्द आता है दूसरा वाक्य के आखिर में रहा नहीं रहे आदि शब्द आते हैं और तीसरा क्या है वाक्य प्रश्नवाचक होता है अब देखो इसका एग्जांपल क्या जारी रहने में क्या होता है कंटिन्यू जैसे अगर मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ तो मेरे पढ़ाने के बाद कंटिन्यू है तुम लिख रहे हो तुम लिख ही रहे हो जो एक इसका इस तरह के काम को कंटिन्यू से खाना पका रही है तो क्या बनेगा हेल्पिंग वर्ब आएगा आर मदर इज मदर मदर आईएनजी लग जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट हमारा मदर है मदर को देख के हेल्पिंग लगता है कि आई आ रहा है आर जब आएंगे उसकी दूसरी दो है तो फिर मम्मी अगर एक मम्मी है तो कैसा आएगा ठीक हो गया है इस मदर और बाद में आई जी लगे फिर कंटिन्यू लगे इस मदर को कि देखो एक्सरसाइज क्या तुम शोर मचा रहे हो क्या तुम शोर मचा रहे हो बना दूसरा क्या अध्यापक पुस्तक पढ़ा रहे हैं क्या अध्यापक पुस्तक टीचर टीचर क्या अध्यापक पुस्तक पढ़ा रहे हैं क्या अध्यापक पुस्तक पढ़ा रहे हैं ठीक है तीसरा इसे लिखो क्या वे
शोर मचा रहे हैं। क्या वे शोर मचा रहे हैं? क्या बच्चे सिनेमा देख रहे हैं? क्या बच्चे सिनेमा देख रहे हैं? क्या बच्चे सिनेमा देख रहे हैं? चलिए भाई, पढ़ाने वाले क्या अध्यापक पुस्तक पढ़ा रहे हैं? है ना, उसके बनेगा इज टीचर, पढ़ाने में कहते हैं टीचिंग आ वो, इस टीचर टीचिंग आ वो। अगला है क्या वे शोर मचा रहे हैं, तो क्या बनेगा आर दे मेकिंग नॉइज, आर दे मेकिंग नॉइज। क्या बच्चे सिनेमा देख रहे हैं? आर चिल्ड्रन, वो चुप्पी है, आर चिल्ड्रन वॉचिंग लिखो बेटा, ठीक है आप? यस सर। इसका फॉर्मूला लिखो बेटा, डब्ल्यू एच प्लस फॉर्मूला। सबसे पहले आएगा डब्ल्यू एच प्लस मेंबर, ठीक है, क्या यार डब्ल्यू एच फैमिली मेंबर के साथ प्लस हेल्पिंग एज वेल, हेल्पिंग वर्ब होगा इसमें इज एम एंड आर, क्या होगा इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंटरोगेटिव साइन, ठीक है। तो ये है इसका फॉर्मूला। फिर लिखो नोट यानी पहचान, नोट यानी पहचान क्या आएगा? वाक्य के स्टार्टिंग में बीच में कब क्यों कहां कैसे आदि शब्द आते हैं, वाक्य के बीच में कब क्यों कहां कैसे आदि शब्द आते हैं। दूसरा, वाक्य प्रश्न वाचक होता है। तीसरा, वाक्य के आखिर में रहा रही रहे आदि शब्द आते हैं, वाक्य के आखिर में रहा रही रहे आदि शब्द आते हैं। चौथा, वाक्य जारी रहना रिपीट करता है, वाक्य जारी रहना
प्रिफर करता है आप किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं, तुम कहाँ जा रहे हो, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, अध्यापक क्या पढ़ा रहे हैं, है ना। तो इस तरह से जब किसी से क्वेश्चंस करते हो उसे कहते हैं WH फैमिली मेंबर केस, ठीक है। तो जैसे मैंने एग्जांपल डाला, तुम कहाँ जा रहे हो, तो क्या बनेगा, सबसे पहले वेयर आर यू, सबसे पहले इसमें बोला WH, इसमें मैं डिटेल कर देता हूँ और इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, WH का मतलब क्या होता है, डब्ल्यू और एच दो बढ़ाया, डब्ल्यू का मतलब होता है व्हाट, वेयर, why, who, where, है ना, which, whom, what माने होता है क्या, उसका मतलब when माने कब, why माने क्यों, who माने कौन, where माने कहाँ, which मतलब कौन सा कौन सी, which subject are you studying, whom माने किस, whose, whom do you like, आप किसको like करते हो, whom do you like, understood बेटा। तो इस तरह से आप बना सकते हैं ऐसे, whom मतलब किसको, which मतलब किसका किसकी, which subject are you studying, ठीक है, कौन सा subject आप पढ़ रहे हैं, तो वो which हो गया, where मतलब कहाँ, where are you going, who मतलब कौन, who are you, तुम कौन हो, what, What are you doing? तुम क्या कर रहे हो? When do you come? When are you going? कब जा रहे हो? तुम कब जा रहे हो? When are you going? तुम कब जा रहे हो? Why are you making noise? तुम शोर क्यों मचा रहे हो? इस तरह से सेंटेंस बनाओ। सबसे पहले leaving क्या? कहाँ? तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू, आर सब्जेक्ट यू और वो मतलब जाना, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, हो गया, सबसे अच्छा है सुनो बेटा। गुना पहला क्या है, अध्यापक क्या पढ़ा रहे हैं, अध्यापक क्या पढ़ा रहे हैं, है ना, बच्चे क्या लिख रहे हैं, बच्चे क्या लिख रहे हैं, लिख लिया, बच्चे क्या लिख रहे हैं, तीसरा बनाओ, वे क्यों शोर मचा रहे हैं, वे क्यों शोर मचा रहे हैं, और चौथा है आपका, तुम क्या कर रहे हो, किस बना सकते चलिए।
सबसे पहले सेंटर अध्यापक क्या पढ़ा रहे हैं तो क्या बना टीचर टीचिंग तो व्हाट इज टीचिंग इज टीचर टीचिंग ठीक है ये बन गया आपको दूसरा बच्चे क्या लिख रहे हैं व्हाट आर चिल्ड्रन राइटिंग व्हाट आर चिल्ड्रन राइटिंग तीसरा वे क्यों शोर मचा रहे हैं why are they shouting making noise तुम क्या कर रहे हो what are you doing तो ये आपके बनते हैं कंप्लीट हो गया ठीक है आपका Present continuous tense, positive case मैंने करा दिया, negative भी करा दिया, passing verb, conjugation verb, complete होता है, ठीक है?